सोच को परिवर्तन करेंगे तो आत्म परिवर्तन होता है, आत्म परिवर्तन से जीवन परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन से समाज परिवर्तन होता है, समाज परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। इसके लिए परिवर्तन का जो सीडलिंग है थॉट है। इसके लिए थॉट को करेक्ट करने के लिए टू अवॉइड वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, इम्प्योर थॉट, अननेसेसरी थॉट एंड ऑल्सो क्रिएट वेरी पॉजिटिव थॉट, वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड अवर नेचर, अवर आदि मध्य अंत को, हमारे संस्कारों को, संस्कृति को, परंपरा को, इतिहास को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय थ्रू दिस थॉट लैब को हो, हैप्पीनेस लेबोरेटरी को हो, एंड हैप्पीनेस कम्स आउट ऑफ अवर थिंकिंग। सो दैट्स द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। इस एजुकेशन के माध्यम द्वारा जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज एंड टूडे वी हैव गॉट इन 147 कंट्रीज सेंटर्स एंड मोर देन 10 लाख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर प्रैक्टिसिंग दिस राजयोग मेडिटेशन। योगा इज द की और योगा इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सो दैट्स वाई थ्रू एजुकेशन और थ्रू द अंडरस्टैंडिंग थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ राजयोग मेडिटेशन वी ऑटोमेटिकली जनरेट प्योर थॉट, पीसफुल थॉट, ब्लिसफुल थॉट, पावरफुल थॉट and such thoughts ultimately reflect in all our activities and in our nature. So Ishwari Vishwavidyalaya, the success rate is very high, and that's why this Ishwari Vishwavidyalaya has planned this activity. I'm very happy and proud to associate with the Lucknow University, having 100 years, it is a senior, it is a bigger university, and we have already spent what most beautiful 100 years in the society in contributing, in changing, in transforming, performing the education system better. So, and I feel and I'm proud to meet some of your faculty members during my 2 years back visit to your institution. And today I'm very happy to see the Vice Chancellor of the University. The more we become wise, less chancellor, wise automatically disappear, and thereby we become a very, very powerful being. So I wish this university become the role model and for the entire country and for the world, so that more and more good people becomes and transforms through this education, not only Laukik education, but spiritual education, because I feel spiritual education is missing in all our universities or education institutions. So that is why Brahmakumaris Ishwari Vishwavidyalaya was established for the purpose of offering a spiritual education that includes yoga or meditation. And through this yoga and meditation, we can transform the individual. Swaparivartan se Vishwa Parivartan kaha jata hai. Iske liye Swaparivartan ke liye Atma Chintan, Paramatma Chintan, Prabhu Chintan aur भारत का पूर्व इतिहास को देख करते हुए और भारत का देव भूमि था एक समय में आज वो देव भूमि परिवर्तन हो चुका है और दैट्स व्हाई द एजुकेशन मेरे पर्पस ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस इनटू डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू नोबल एक्टिविटी एंड ऑल्सो communalization of human consciousness or human life or human system to into a very dan punya karna shresht karma karne ki taraf parivartan karna aur bhi anek baaton aap sabhi jante hain iske liye brahma kumari ishwari vishwavidyalaya aap sab se mil kar ke ye karya karna chahte hain aur iska aap logon ne platform diya sahyog diya aage bhi hum dono mil kar ke acche kaam karte rahenge aise kaam karne ke disha mein itna bade universities हम जाइन हो रहे हैं और आज का एक शुभ दिवस पर और आपका विशेष करके सेंटेनरी सेलिब्रेशन का वर्ष बना रहे हैं ऐसी समय पर मैं सबसे बड़ी हमारा राधा बहन को भी बधाई देता हूं और पांडेमणि जी को भी बधाई देता हूं और विशेष करके आपका यूनिवर्सिटी के प्रत्येक प्रोफेसर को क्योंकि हम विश्वास करते हैं आचार्य देवो भव आप लोग केवल एजुकेटेड लोगों का ही नहीं मनुष्य को महान मनुष्य देव मानव मनुष्य बनाने का जो कर्तव्य जो है एजुकेशन का उस कर्तव्य को पालन करने के लिए उसको अचीव करने के लिए उसको एक चरितार्थ करने के लिए आप सभी मिले हैं। इसके लिए मैं हर एक आत्मा को हर एक प्रोफेसर्स को हर एक कर्मचारियों को इस यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ गुड विशेष देता हूँ हम सब मिल करके धरती माँ को सुंदर
दुनिया बना करके देंगे, ऐसा बनाने वालों के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेबोरेटरी इज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एंड एट दिस मोमेंट यू आर मेकिंग व्हेन द होल वर्ल्ड इज अंडर फियर, ऐसी भयमुक्त, रोगमुक्त, पापमुक्त, चिंतामुक्त और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने का कार्य में ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए जो आप लोगों ने सोचा, इस सोच को साकार करेंगे, हम सब मिलकर के पुनः भारत को देव भूमि बनाएंगे, ऐसे बनाने वाला को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके इनकरेजिंग वर्ड्स और मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। एंड एज वी ऑल नो दैट ही इज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एंड ही इज द चैंपियन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज अचीव्ड हाइट्स सिंस ही हैज टेकन ओवर चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। He has centered his focus upon building a culture of student centricity across various departments, institutes, and associated colleges of the university, and transforming the face of higher education. Aligned with the university's ambition of serving the society as a harbinger of economic, social, and spiritual progress, Professor Rai is leading these institutions towards creating an impact bigger and better than ever before. So I would now request Professor Sir Alok Kumar Rai sir for his words of wisdom on this platform. Thank you, madam. Thank you so much. Most respected B.K. Mrityunjay ji, I was just listening to him. I can recognize some of the faces, including Radha Ben. And many of the participants are from my own institution, from my own university, and all the people who are participating in this program, in this MOU signing program. First of all, let me take the opportunity to welcome you all to the centenary year of this great seat of learning, that is Lucknow University. This university started celebrating its centenary with B.K. Shivani, and he visited our campus along with Radha Ben in the month of January. And hers was the first program. We had planned for a year-long program with each month having been invited to the campus and speak to our teachers, students, and non-teaching staff as well. So she was the first one. And what a start with such a wonderful soul. But then somehow this COVID issue came up and we had to stop. But then again, what a finish with an MOU with Brahmakumaris. So the beginning and end, Brahmakumaris and your institution has got very, very important role to play with University of Lucknow. So I consider it to be a soulmate kind of institution. And we, from abstract to physical, we try to convert it into, and this Happy Thinking Lab was a concept that started when she visited our campus and we discussed on this issue and we explored certain avenues that we where we could collaborate, because sustained happiness, especially among students, is need of the hour. And this is one issue that many of the institutions are also researching enormously. बहुत ज़्यादा शोध और विमर्श का विषय ये बना हुआ है कि छात्र लगातार they should feel happy, they should be happy. हम in our institution ये sister शिवानी का ही concept था, जो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों नहीं विश्वविद्यालय में एक no anger zone होना चाहिए. और आज हमारे विश्वविद्यालय में हमने दो नो एंगर जोन बनाए हुए हैं, उन एरियाज में जहां सबसे ज्यादा एंगर का एग्जिबिशन होता है. तो इसी तरह से उसका और सस्टेन्ड मॉडल डेवलप हो सके और वर्क कर सके, फॉर दैट वी वर्कड अपॉन
merger of science and spirituality. So in our institution, the science of philosophy, psychology, is merging with the soul of spirituality, and the byproduct is Happy Thinking Lab. एक ऐसा lab जो हमको खुश रहने का सकारात्मक विचार का सतत प्रवाह दे, ऐसा एक प्रयास है. And because educational institution should not just be an institution for transforming certain piece of information. तो curriculum को सिर्फ बच्चे को pass on कर देना, ये तो शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य नहीं हो सकता है और विश्वविद्यालय का तो कतई नहीं हो सकता है. Because by definition, this is university. So holistic development of the student is imperative. And this Happy Thinking Lab is one of its kind in the country, where we are aiming at creating sustained happiness among the students, which is need of the hour. We do witness lot of stress among students for a variety of reasons, and many of the angers are expression of the stress. So wo Kasdan Young ka jo principle hai, jab negativity choti ho usi samay usko pakad le and wahi se usko address kare, to shayad we shall be able to address it. Because humko khushi kya hai is baat ko samajhna bahut important hai. If I am allowed, we have got some huge legendaries here in this at this forum. So if I am allowed, I'll share a small story. Please sir. एक बार एक आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उसकी हरकत देख के लग रहा था उसके दोस्तों को कि it's not very easy. वो बहुत खुश नहीं दिख रहा है. तो his friends asked कि भाई तुमको क्या तकलीफ है. बोले उसने मेरा जूता बहुत काट रहा है. तो दोस्तों ने कहा भाई जूता काट रहा है तो जूता हटा दो, बदल दो जूता, इसमें क्या दिक्कत है. उसने कहा भाई जूते की बात ना करो, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है, मेरा बेटा शराबी और जुआड़ी हो गया, मेरी बेटी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी गलत लड़के से शादी कर ली, मेरा बिजनेस व्यापार में एकदम घाटा चल रहा है, जूते की बात ना करो. दोस्तों ने कहा भाई ये तो गजब बात है, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुमको बेटी का भी तकलीफ है, तुमको बेटे का भी तकलीफ है, तुमको बिजनेस का भी तकलीफ है, फिर भी तुम ये जूता पहन के और अपने को तकलीफ दे रहे हो. उसने कहा कि ये जूता मेरे जीवन का अकेला सुख है, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ शाम को और मैं जब इसको निकालता हूँ अपने पैर से, तो उतनी देर के लिए मुझे बहुत रिलीफ मिलता है. हमको ये सोचना होगा कि क्या हमारी खुशियां, जिसको हम खुशी समझते हैं, क्या वो इस काटते हुए जूते की तरह नहीं है. हमको ये नई वाली ड्रेस खरीद लेते, बड़े खुश हो जाते, फिर खरीद ली, फिर खत्म हो गया. फिर वो नई वाली गाड़ी खरीद लेते तो बड़े खुश हो जाते, तो नई वाली गाड़ी खरीद ली, फिर वो नया वाला घर बनवा लेते तो खुश हो जाते. अगर धन से या साधन से खुशी मिल सकती और सस्टेन्ड हैप्पीनेस, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सच्चिदानंद का है, अगर वो साधनों से मिल सकता तो हिंदुस्तान का हर धनी आदमी तो कम से कम खुश होता ही होता. लेकिन क्या ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे हो सकता है. मुझे लगता है इस दिशा में our happy thinking lab can contribute enormously. And again I reiterate ke this is a perfect platform of merger of science and spirituality. ye ek aisa sthan ban sakta hai, aur mujhe lagta hai jis bhavana ke sath, kyunki competence mein hum log teen cheeze dekhte hain, knowledge, skill aur motive ko aksar bhul jate hain. to jis motive ke sath ye lab establish ho rahi hai, वो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारी प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैडम को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हैं, और जिस भावना के साथ मैडम इस प्रयास में रमी हुई हैं, मैं कहूँ तो निश्चित ही ये उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए इस तरह के लैब की स्थापना हो रही है, जिससे कि बच्चों को हम सतत खुशी दे सकें, वो काटने वाले जूते के तरह की खुशी नहीं. और मैं बहुत आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ब्रह्म कुमारी, उनसे हमको एकेडमिक इनपुट भी मिलता रहेगा, स्पिरिचुअल इनपुट भी मिलता रहेगा, रिसर्च इनपुट भी मिलता रहेगा. देयर आर सर्टेन डिवाइसेस आल्सो प्लान्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन, तो
तो उसको हम इसमें एस्टैब्लिश करके इसको जितना एनरिच कर सकते हैं करेंगे, इसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, सबके लिए वी वुड वांट कि ये इस्तेमाल हो। और मैंने मैडम से एक बार कहा था कि वो कोई मशीन खरीद रही हैं जिसमें टेस्ट करेंगी कुछ, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरा ही टेस्ट करिए, हम सबको तो खुशी चाहिए, और हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने लोगों को खुश कैसे रखेंगे। तो हम सब वी ऑल वुड वांट कि हमारा सेशन लिया जाए, इसमें स्पिरिचुअल सेशंस भी हों और इससे हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें, जिससे कि हम सतत बौद्धिक विकास और फिर विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मूल है उस मूल को प्राप्त हम कर सकें। मुझे अवसर देने के लिए मैडम प्रधान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन तमाम गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाला। मुझे मालूम है आप सब बहुत बड़े लोग हैं, और लेकिन इस शताब्दी वर्ष में आप सब इस मंच पर आए और हमारे साथ एक ऐसा MOU साइन कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का, सबका दीर्घकालिक हित जुड़ा हुआ है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अच्छे वर्ड्स के लिए और मोटिवेशन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी बीके मृत्युंजय सर से एंड आलोक कुमार राय सर से कि वो हमारे MOU पे साइन करें। एक कागज है कि इधर मैंने एक ये सांकेतिक दीपक जलाया है आप सबके लिए। हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना के साथ कि ये MOU सफल हो और हम सबका जो एक उद्देश्य है अपने विश्वविद्यालय के बच्चों का हित करना और सभी का हित करना, तो उस उद्देश्य में हम सफल हों इस शुभकामना के साथ। So, Manny ji, now you may take over for further. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, Vice Chancellor, sir. Your vision has always been very enlightening for us, and your support is really, we get so much of support from you that we have no words to thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. E.V. Swaminathan, sir. And he is a trainer, teacher, counselor, and consultant with a clear focus on creating a value-based society. And sir is a BTEC as well as an MBA. And he has been into engineering and management for 16 years. And he has been a corporate trainer for 13 years. And along with that, he has been awarded with the Sunrise Peace Award by Sunrise Peace Mission. And he has also been honored by the Rotary Club with the Award of Excellence and Nation Builder Award. And sir has appeared in numerous television talks, and he has trained various students from IIT Kharagpur, Mumbai, Kanpur, as well as a number of other institutions. And sir has taken number of workshops and sessions on emotional engineering, diluting of stress, and total quality of life, journey with harmony, empathetic communication, memory management, art of leadership, and purpose of life. And sir has been associated with the Brahma Kumari Vidyalay from the last 22 years. So sir, we are really honored to have you here. Thank you. Please, we would like you to say a few words. Om Shanti, good evening and Namaskar. Most respected Honorable Professor Alok Kumar Rai, Honorable Vice Chancellor, respected Mrityunjay Bhaiji, Madam Madhurima Pradhanji, and all my wonderful friends, including Sister Radha Bhen and the students, faculty members who have joined this particular program. First of all, at the outset, let me congratulate the Lucknow University and the Rajyoga Education and Research Foundation for this wonderful, beautiful memorandum of understanding
to make the students, the society and the whole world a better and a happy place to live in. तो बहुत दिल से, बहुत स्नेह प्यार से मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ. मुझे करीब 10-15 मिनट्स का समय दिया गया है. मैं 3-4 मिनट पहले आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस पे जो स्टडी और रिसर्च किया गया है पूरे विश्व में उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, 3-4 मिनट हैप्पीनेस के बारे में. फिर ये जो हैप्पीनेस का जो हैप्पी थिंकिंग लैब है उसमें राज्यों का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का संकल्प किया है. What is our action plan and what are we going to do? That's what I'm going to share with all of you, my dear friends. Now, this I'm sharing it because we will look for your feedback, your inputs from all the respected people from Lucknow University, and we'll be very open for changes. बहुत विनम्रता पूर्वक हम उसको अपने lab में जरूर जरूर integrate करने की कोशिश करेंगे. And the most important, ये सब तो फिर भी ठीक है. मैं चाहूँगा on this beautiful auspicious occasion, right, जहाँ पर Lucknow University is celebrating its centenary, and जैसे हमारे honorable आलोक सर ने बताया कि final भी बहुत अच्छा हो रहा है. It's a happy, beautiful, colorful ending, जहाँ पर हम एक नए संकल्प के साथ इस situation को, खास करके जो सारे विश्व में जो challenging situation है, तो उसको face करने के लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ participants हैं, we will spend around 3 minutes, 3-4 minutes, not much of the time, wherein we will try to be contented, happy, and spread this vibrations of peace, love and happiness to the whole world. So that is how I'll be taking this lecture, small introductory session with all of you. My dear friends, in fact, jahan tak happiness ka sawal hai, iska bahut jagah study kiya gaya, bahut research kiya gaya. But one of the very beautiful study which I would love to quote to all of you is a study done by National Geographic in the late 90s. Inhone 1996 ko National Geographic ne एक बहुत सुंदर स्टडी किया, एंड दिस स्टडी वॉज एक्चुअली हेडेड बाई अ वेरी वंडरफुल पर्सन, उस नेम इज डैन ब्रूटनर. और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस विश्व में है ना कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति बहुत खुश है. एंड दिस वॉज अ वेरी स्टडी बेस्ड ऑन वेरी वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल एंड रीजनिंग. सो व्हाट दे डिड वॉज, माई डियर फ्रेंड्स, दे हैड सो मेनी टीम्स, और उन्होंने क्या किया, हर एक व्यक्ति को एक मैप दिया विद अ ब्लू स्केच पेन, और कहा कि आप उन लोगों से मिलने की कोशिश करिएगा जो इस संसार में बहुत खुश रहते हैं, हु आर हैप्पी पीपल. एंड दिस टीम विद अ वर्ल्ड मैप एंड विद अ ब्लू स्केच पेन दे वेंट अक्रॉस द ग्लोब, एंड टू द वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल सरप्राइज, बहुत उनको आश्चर्य हुआ. उनके खुद अपने क्राइटेरिया थे कि जो हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या है, मैं उस क्राइटेरिया पर ज़्यादा नहीं समय दूंगा, लेकिन मैं उसका रिजल्ट बताना चाहूँगा कि उन्होंने देखा कि सिर्फ एक व्यक्ति खुश नहीं रहता है. इट इज नॉट दैट जस्ट वन इंडिविजुअल बिकम्स वेरी हैप्पी, संघ का रंग लग जाता है. तो उन्होंने ऐसे 5 जगह देखे जहां पे द होल ग्रुप वाज अ वेरी वेरी हैप्पी ग्रुप, एंड दे वर पीपल हु वर एबल टू लिव फॉर मोर देन 100 इयर्स. आई एम स्पीकिंग ऑफ द प्रेजेंट थिंग. एंड दीस वाज पब्लिश्ड इन वेरियस जर्नल्स एंड दे वर कॉल्ड एज ब्लू जोन्स, क्योंकि उनको ब्लू स्केच पेन दिया गया था तो नेशनल ज्योग्राफिक ने उसको ब्लू जोन्स करके डेजिग्नेट किया. फॉर योर काइंड रेफरेंस आई विल जस्ट शेयर दोस 5 हैप्पीनेस जोन्स टू ऑल ऑफ यू, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू गो थ्रू दिस. सो आई एम शेयरिंग द स्लाइड विद ऑल ऑफ यू. मधुरिमा मैडम, आर यू एबल टू सी द स्लाइड? ओके, सो दिस इज अ हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी, अ ब्यूटिफुल ब्लेंडिंग संगम बिटवीन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड द ब्रह्मा कुमारी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन. नाउ दीज आर द 5 ब्लू जोन्स: Loma Linda in California, Nicoya in Costa Rica, Sardinia in Italy, Ikaria in Greece, and Okinawa in Japan. और जब इन्होंने ये 5 ब्लू जोन्स को देखा और उनको इन्होंने पब्लिश किया, उस समय मुझे आदरणीय मृत्युंजय भाई की बहुत अच्छी बात याद आती है कि once upon a time, भारत was the most happiest country. It was the most happiest country. तो मुझे लगता है माधुरिमा मैडम कि हमको नेशनल ज्योग्राफी को 1-2 साल के बाद उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनवाइट करना चाहिए. उनको ये बताना चाहिए कि पूरे भारत में लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज टेकन दिस लीड टू क्रिएट अ हैप्पी ब्लू जोन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी. सो आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट यू. एक बहुत श्रेष्ठ संकल्प है मैडम दिस वन, और इस श्रेष्ठ संकल्प में हम सभी आपके साथ बहुत प्यार से जुड़े हैं. तो ये जो 5 ब्लू जोन उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा कि सभी वहां के जो लोग हैं ना, दे आर ऑल सचिन तेंदुलकर, दे आर ऑल विराट कोहली, सभी ने सेंचुरी मारा है 100 वर्ष.
तो हमारे भारत में कहते हैं कि एक समय पर इस धरती पर देवी देवताएं थे जो है ना 150 वर्ष से ज्यादा रहते थे. सो अवर हिस्ट्री इज सो वंडरफुल, अवर हिस्ट्री इज सो ब्यूटिफुल. ये हम लोग पढ़ाते हैं और हमने एजुकेशन में ये भी पढ़ा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. सो आई थिंक जो शिवानी बहन ने बहुत प्यार से एक बात कही, नो एंगर जोन. अब उसको थोड़ा सा एडिशन लेकर आना पड़ेगा. शायद एक साल में आप लोग क्रोध मुक्त हो गए, अब क्या करना है? सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ नो एंगर जोन, अब उसको थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाते हुए, नाउ इज द टाइम वेयर वी शुड क्रिएट हैप्पी जोन्स, यू नो. एंड दिस हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू बिगिन विथ. सो उन्होंने ये देखा, मैं कुछ स्लाइड्स आपको बताता हूँ, जहाँ उन्होंने देखा कि दे हैड अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ लिविंग. इस पर हम थोड़ा सा हम स्टडी भी कर सकते हैं. ऑलरेडी हमारे पास बहुत सुंदर रेफरेंस है, वी कैन सर्टेनली टेक द गाइडेंस हेल्प फ्रॉम माधुरिमा मैडम ऑल्सो. सो विथ ऑल दीज थिंग्स, जो अभी का जो कॉमन इमोशंस जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फियर, वरी, एंग्जाइटी, एंगर, फॉर द लास्ट 6 months जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरे बंद पड़े हुए हैं. Right, they are quarantined and they are missing their friends, they are missing their teachers, they are missing their colleagues, you know. और ऐसे समय पर है ना, ईश्वर हमेशा कहते हैं अपने बचपन के दिनों को जरूर याद करना. Once upon a time we were so happy, so peaceful, so joyful. So I was doing a FDP program today morning, and I was doing an FDP program for all the engineering professors conducted by Atal and AICT. तो माधुरिमा मैडम, मैंने बहुत प्यार से उनको कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज 3 बजे मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जो लेबोरेटरी सिर्फ सॉम लैब, डॉम लैब, डिजाइन लैब, प्रोडक्शन लैब, एफएम लैब, ये तो हर यूनिवर्सिटी में होता है और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है. बट वेरी हैप्पी टू टेल, और मैंने शेयर किया सारे प्रोफेसर के साथ कि वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ हैप्पी थिंकिंग लैब. और मैंने उनको ये कहा कि जो आज तक हम लोग जो डिग्रीज देते थे, BE देते थे, BTech देते थे, BPharm देते थे, BSc देते थे, BBA देते थे, बट इन द लास्ट 6 months जो कोविड का जो सिचुएशन आया है और उसमें से हम लोगों ने बहुत प्यार से एक बात सीखी है, एंड दैट इज अ बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दैट वी शुड बी टेकिंग आवरसेल्फ्स एंड आवर स्टूडेंट्स. बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ इज बी काम, बी कूल, बी चीयरफुल. दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस संदर्भ पर इज व्हाट दिस हैप्पी थिंकिंग लैब इज गोइंग टू वर्क. आइंस्टीन वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू साइंस एंड आल्सो अंडरस्टूड नॉट जस्ट फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, इसलिए आइंस्टीन का एक बहुत सुंदर डायलॉग मुझे लगता है जब वो कहते हैं, इफ आई हैड ओनली 1 hour टू सेव दिस वर्ल्ड आई वुड स्पेंड 55 minutes डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 minutes फाइंडिंग द सॉल्यूशन. दैट्स व्हाट आइंस्टीन हैड सेड, वेरी इंटेलिजेंट. तो फिर उसके आगे वो नेक्स्ट एक बहुत प्यार से एक डायलॉग कहते हैं कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल अवेयर कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी एक स्मृति होती है, उसकी कॉन्शियसनेस होती है. तो उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या? इट्स अ माइंड. और जो ब्रह्मा कुमारीज ने जो स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, उसके आधार पर हम लोग माइंड को एक टीम की तरह लेते हैं. एंड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हो, चाहे हमारे फैकल्टीज फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारी, सो कैन बी वर्क एज अ टीम. और टीम का अर्थ क्या होता है? टी मीन्स थॉट्स, ई इज इमोशंस, ए इज एटीट्यूड एंड एम इज मेमोरीज. हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृति, और ये हमारा मन है. तो जब इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है तो वी आर एबल टू जेल विद अदर्स. और इसके बारे में स्टडी हम लोग इस हैप्पी थिंकिंग लैब में जरूर जरूर करेंगे. तो करना क्या है? वी हैव टू मेक आवर माइंड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड. वर्तमान समय पे हमें अपने मन को एक बहुत प्यारा सा दोस्त बनाने की जरूरत है. और उसके लिए मन को अगर ठीक करना है तो बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा और संस्कारों को बहुत श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा. I have been a student of this Brahma Kumaris for the last 25 years. So more than a teacher, I love to call myself as a student. और पिछले 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि मन को मैनेज करने के लिए बुद्धि कैसे दिव्य बनती है. और उसका एक बहुत क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी है, एक फ्लो चार्ट है, एक एल्गोरिदम है, जो हम लोग धीरे धीरे हमारे फैकल्टी मेंबर्स इन एसोसिएशन विद द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वी विल एडमिनिस्ट्रेट टू द स्टूडेंट्स, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव वंडरफुल रिजल्ट्स. तो होता क्या है, इस लैब में हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू मूव आउटसाइड, बट वी आर गोइंग टू हैव एन इनर लेबोरेटरी.
जहां पर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो आफ्टर हैविंग सेड दिस, आई विल टेक 3 मिनट्स कि हमारा इस लैब में क्या क्या विजन है, हम कैसे करने वाले हैं. एंड हियर आई वुड लव टू थैंक माय वंडरफुल ब्रदर हु हैज हेल्प मी, शुभोजित भाई और राधा बेन, आई एम प्रोनाउंसिंग इट हिम राइटली राइट, अ स्वीट ब्रदर फ्रॉम लखनऊ हु रियली हेल्प मी अ लॉट, जिसने हु इज द कोऑर्डिनेटर एंड इज हेल्पिंग अस दिस. तो उसने थोड़ा सा मुझे बताया. सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यू नो हैप्पी थिंकिंग लैब. लेकिन और कुछ हम लोग टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं जिस टॉपिक्स पर हम लोग काम करने वाले हैं. दिस इज अ प्रपोज्ड लेआउट जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया है. वी आर ओपन फॉर चेंजेस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ मृत्युंजय भाई जी ऑलरेडी अ लैब इज देयर वर्किंग इन जयपुर. एंड आई वुड लव टू कॉम्प्लीमेंट प्रोफेसर मुकेश सर हु इज डूइंग दिस सक्सेसफुली. एंड आई माइसेल्फ हैड अ चांस टू गो एंड विजिट दिस लेबोरेटरी. पूरे भारत में मैं करीब 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं गया हूँ, लेकिन ये जो जयपुर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया और वहाँ पर मैंने वो जो हैप्पी लैब देखा, आई थिंक वंस माधुरिया मैम मैडम एंड सम ऑफ द कलीग शुड ऑल्सो विजिट देयर. एटलीस्ट वर्चुअल विजिट तो आप जरूर जरूर कर सकते हैं. तो उसके आधार पर देयर आर सम प्रपोज्ड लेआउट जो हम लोगों ने किया है. वन ऑफ द दिस वन इज अ साइलेंस रूम, है ना, जो हम लोग मेडिटेशन रूम बनाएंगे. देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ विजडम हॉल, जहाँ पे वी विल हैव ब्यूटिफुल इंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स ऑफ विजडम. हम लोग we'll have a heart to heart conversation. We will also have a counseling room, right? Maybe counseling ke jagah ek acha word bhi bol sakte hai, heart to heart conversation room. We are always open for changes. Jahan par bachcho ko lagta hai counseling matlab mere mein kuch gadbadi hai, nahi, lekin jab aapko unko lagta hai ki main dil se samvad karne aa raha hu, so they'll feel more comfortable. Then there is something which we call as a spiritual library. Yeah, Shobhit bhai, thank you for giving this presentation, my dear sweet brother. तो स्पिरिचुअल लाइब्रेरी हम रख सकते हैं, कुछ किताबें हम रख सकते हैं. देयर वुड ऑल्सो बी अ रिसर्च सेल. तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक रेफरेंस है. और मैं चाहूंगा माधुरी में मैडम कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प अस इन डाटा कलेक्शन, दे कैन हेल्प यू नो इन ब्यूटिफुल कंपाइलेशन ऑफ डाटा, दे कैन प्रेजेंट सम काइंड ऑफ पेपर्स. इनफैक्ट मैंने देखा जो प्रोफेसर मुकेश इन जयपुर वॉज डूइंग, उन्होंने अपने सारे बीई बीटेक स्टूडेंट्स को उस प्रकार का गैजेट्स दिया है जहां पर देवर एबल टू डेवलप, देर एबल टू सी द मूड स्विंग्स इन अ पर्सन. और बहुत हेल्थ सेक्टर पर भी वो बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज द लेबोरेटरी अप्रोच? 1 वीक क्लासरूम प्रोग्राम होगा, स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस होगा, स्पिरिचुअल स्टडी होगा, डेली मेडिटेशन होगा. वी विल कीप अ रिकॉर्ड एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम फॉर इट. स्पिरिचुअल टूल्स होगा, दीज आर द वैल्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक. हम लोग कुछ एक अच्छे अच्छे स्लोगन्स बच्चों को देंगे, राइट? एंड मेंटल पोल्यूशन क्या है, स्पिरिचुअल सेफ्टी किट क्या है. हमारे पास ये पूरा सेटअप ऑलरेडी इज देयर. ब्रह्मा कुमारीज हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 85 years, सो इट बिकम्स वेरी इजी एज फार एज द लिटरेचर एंड द सिस्टम इज कंसर्न. और दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग करेंगे. ये तो हम आगे हम लोग देखते रहेंगे. वी विल शेयर विद. सो दीज आर द असाइनमेंट्स एंड द लैब मैनुअल. और दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जो हम लोग कर सकते हैं. सो दिस ऑल द रेफरेंस एंड देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द थॉट लैब. तो ये सब हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है इन कोलैबोरेशन विद लखनऊ यूनिवर्सिटी. वी विल स्लोली विद लॉट्स ऑफ लव एंड विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट. और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, डोंट ट्राई टू गो एंड मीट सक्सेसफुल पीपल, ट्राई टू गो एंड मीट हैप्पी पीपल. और मैंने ये देखा है अपने जीवन की इस यात्रा में कि सक्सेसफुल पीपल मे नॉट बी नेसेसरली हैप्पी, बट ऑल हैप्पी पीपल One day will certainly become successful. तो मैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे, सर हैप्पी पीपल से कहाँ मिले? तो मैं कुछ अभी तक पर्सनल लोगों का नाम लेता था, बट नाउ आई विल टेल यू कि देर इज अ यू नो हैप्पी थिंकिंग लैब इन लखनऊ यूनिवर्सिटी. यू कैन गो मीट देयर प्रोफेसर्स, मीट देयर फैकल्टी मेंबर्स एंड यू कैन सी दे आर वर्किंग ऑन दिस ब्यूटिफुल कंटेंट ऑफ हैप्पीनेस. हैविंग सेड दिस, वी विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल. सो आई जस्ट टेक 3 मिनट्स. मैं चाहूंगा कि इस सुंदर अवसर पर हम लोग कैन बी स्प्रेड दिस वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस टू अवर वंडरफुल ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड द ब्रह्मा कुमारीज, टू अवर स्टूडेंट्स, द फैमिली मेंबर्स, टू द सोसाइटी एंड सर्टनली टू द होल वर्ल्ड ऑल्सो. बिकॉज बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट्स अस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, राइट? तो हम 3-4 मिनट लेंगे. लेट्स मेडिटेट. आराम से बैठे. आई वॉन्ट यू टू
आराम से रिलैक्स होकर बैठे. आई विल शेयर स्क्रीन द स्लाइड. इट विल जस्ट टेक नॉट मोर देन 3 मिनट्स. तो आई विल पुट सम वंडरफुल इमेजेस और कुछ अच्छे संकल्पों को आपको फील करना है, महसूस करना है दोस्तों.
Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It was really a very beautiful session. And sir, it forced us to delve inside in ourselves and connected us with our inner thoughts. Thank you so much, sir. It was really a very great session. Now I would like to invite Radha Ben. Rajyogini Brahma Kumari Radha Ben was born in 1964, and she was born in a very religious and philanthropic family. And she came into contact with this organization at a very young age of 18 years. And she dedicated herself towards the study of spiritual knowledge, practicing Raj Yoga meditation, and inculcating moral and ethical values in order to bring spiritual self-transformation and spiritual upliftment of humanity. And she has begun her spiritual journey 37 years earlier. And she has inspired and empowered many minds. And she has traveled a lot, spreading her message throughout. And she has delivered lectures with mastery over subjects connected with day-to-day life. She has also organized, an 8-day spiritual mahotsav at Begum Hazrat Mahal Park. Then also a spiritual center, Atma Chintan Bhavan, was inaugurated at Vipul Khan, Gomti Nagar. And in addition to this, Radha Ben has organized various health camps and stress-free and meditation shivers. And she has been associated with youth training programs as well as values for excellence in administration. She has been a part of various conferences. And she has been a popular motivational instructor and lecturer, as well as she has taken the spiritual initiative of clean the mind and the green the earth, of clean the mind and green the earth, along with All India Education Campaign on Empowerment through Values and Spirituality. Ma'am, Radha Ben, we are really very grateful and thankful that you have joined us. And I request you to please say a few words and extend a vote of thanks. ओम शांति, सुनाई दे रहा? जी जी। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने इस शताब्दी वर्ष में बहुत सुंदर एक कदम उठाया है, एक देश के लिए रोल मॉडल बनने का उपाय ढूंढा है। जैसे सबने अपने अपने शुभ विचार दिया, तो देखा जाए तो पूरे भारत वर्ष में मैं चाहूंगी एक लाइट हाउस बन करके सबके लिए एक रोल मॉडल बने, सबकी शुभकामनाओं के साथ। जैसे हमारे वीसी सर ने कहा, शुरुआत जो शिवानी बहन के कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी, अभी समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो एक सुंदर संकल्प के साथ इस विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस लैब की शुरुआत आज उसका एमओयू हुआ। इसके उपलक्ष्य में हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे वीसी सर ने बहुत सुंदर अपनी शुभकामनाएं दी, और हम सबसे यही चाहना रखी कि हम अवश्य इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं वीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हमने बाहर की तरफ हमने हैप्पीनेस को ढूंढते रहे, उसको हमने खोजा ढूंढा, लेकिन उसका जो रिजल्ट अल्पकाल के लिए थोड़ी देर के लिए जरूर मिला, लेकिन हमारी हर सांस के साथ हैप्पीनेस हम चाहते हैं, हर बोल के साथ, जीवन के हर क्षण हम हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक इंटरनल साइंस है, जैसे वो साइंस के साधनों के द्वारा खुशी का थोड़ी बहुत के
उपलब्धि का अनुभव करते हैं, इस इंटरनल साइंस को समझ करके स्पिरिचुअलिटी को गहराई को जानेंगे तो हमेशा हम खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, ये संभव है। तो इनर साइंस को समझने के लिए ही ये हैप्पीनेस लैबोरेटरी का उद्घाटन कहेंगे, आज की शुरुआत हम कहेंगे। और इस कार्य के लिए विशेष देख रहे में बड़ा इंटरेस्ट लेकर के समर्पण भावना से लगे हुए हमारे प्रोफेसर मधुरिमा जी, दिल से जब भी उनसे मिलना हुआ दिल के साथ जुड़ करके इस कार्य में लगे हुए, और हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इस लैबोरेटरी को सफलता की ओर लेकर के जाएगा। हमारे भ्राता मृत्युंजय जी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, तो खास अपना अमूल्य समय दे करके इन्होंने भी एक इंस्पिरेशन दिया हमको, हैप्पीनेस हैप्पी लव एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रति उनका एक आशीर्वाद रहा, एक ऐसा मॉडल बने, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे स्वामीनाथन भाई जी सुंदर तरीके से इस हैप्पीनेस लैब में जो जो कार्य होगा किस तरीके से ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर प्रकाश डाला, और हमारी जो कोऑर्डिनेटर मानिनी बहन जी रही, हम सबको सुंदर से एक माला के रूप में पिरो करके सबको सबके सामने लाया। तो ऐसे मानिनी बहन का और जो सुनने वाले सभी जो हमारे प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे कर्मचारी गण भी है, प्रोफेसर सर वीसी सर, वंस अगेन टू वीसी सर, और ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारे संस्था से जुड़े हुए भाई बहने भी हैं, हम इन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज एक शुरुआत नई शुरुआत भी और एक जिम्मेवारी के साथ, हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर के जितने भी सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज ही हम एक संकल्प ले ले, हम अपने लाइफ को हैप्पी हैप्पी बनाएंगे। दूसरों के लिए जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, सिखाने वाले नहीं हैं, हम अपने लाइफ से हैप्पी रह करके हमारे बिहेवियर से, हमारे सोच से, हमारे वाइब्रेशन से सबको हैप्पी हैप्पी करने का संकल्प ले लेंगे। आज मैं चाहूंगी जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी इस समय में प्लेटफॉर्म पे है, एक संकल्प जरूर लेंगे, हम अपने जीवन में हैप्पी रहेंगे। असंभव कुछ नहीं है, एक थॉट की दूरी है, एक दृढ़ संकल्प रखेंगे, हर हाल में हमें खुशहाल रहना है। खुशी मेरे जीवन की प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पावर है, मेरी अपनी शक्ति है। मैं कुछ भी हो जाए अपनी इस प्रॉपर्टी को मैं खोने न दूं, जहां मैंने अपना समझा अपनी चीज को हमेशा संभाल करके चला जाता है, तो ये मेरी चीज है, इसीलिए किसी भी हालत में चीज चली जाए, हर जाने कुछ भी चला जाए, लेकिन हमारी खुशी न जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी चिता नहीं कहा गया, खुश रह करके खुशी देने वाले खुशनुमा बन करके दिखाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं पीसी मिश्रा सर, क्या हैं इस समय? सर ने ज्वाइन किया था, मैं चाहती हूँ दो शब्द कहें, वो भी है क्या सर? पीसी मिश्रा सर सुन रहे हैं आप हमें? डॉक्टर माननी है क्या सर? मुझे दिखाई दिए थे तो मैंने कहा अगर वो भी कुछ कहते। चलो पल्लवी मैम है क्या? शायद नहीं है, उनका नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत रहता है, जॉइन रहता है। सबको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू माननी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम फॉर सच ए शॉर्ट नोटिस। बहुत ही प्रोग्राम करा और बहुत अच्छे से किया, और इसी शुभ भावना के साथ कि हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और अपने बच्चों के लिए और आसपास के वातावरण के लिए मिल के काम करते रहेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार। थैंक यू मैम। सर का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पीस के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।